जोआई में आयोजित बेदेनथलाम उत्सव के अंतिम दिन केंद्रीय डोनर मंत्री जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। इस दौरान संवाददाताओं से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र भौतिक आर्थिक हर तरह से इस उत्सव को बढ़ावा देगा। उन्होंने साथ ही बताया कि डोनर मंत्रालय सभी आठों राज्यों में रोटेशनल कैंप सेक्रेटरियट शुरू करने जा रहा है ताकि इस क्षेत्र के लोगों को दिल्ली या डोनर मुख्यालय तक की यात्रा न करना पड़े। इम्पोर्टेंट एनुअल स्टेट फेस्टिवल हैपनिंग ओवर हियर इन जोआई एंड आई वाज टोल्ड दैट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट समबडी फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस। आई थिंक दिस शुड ऑल्सो बी अ मैसेज गोइंग आउट टू द पीपल ऑफ मेघालय एंड to Northeast at large, that Prime Minister Shri Narendra Modi has actually owned up Northeast through his personal outreach. He has visited Northeast as many as almost 30 times in just 4 years. And the donor ministry has started a process of having a rotational camp secretariat in each of the 8 states so that the people of the region have this confidence that for the redressal of their grievance, they do not need to travel all the way to Delhi or to the Ministry of Donor Headquarters. The donor is also there at their doorstep, physically, financially, and also in the terms of the logistic support. And I have no hesitation to say that the manner in which the Ministry of Donor and the Northeastern Council have come forward to be a part of each and every sphere of life in this region has not happened in the last 65 years, and this is primarily because of the direct indulgence and patronage provided by Prime Minister Modi. सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार न केवल पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है बल्कि क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। हाल ही में असम के कार्बी आंगलोंग जिले में अभिजीत और नीलोत्पल नामक दो युवाओं की बर्बर हत्याकांड के संदर्भ में भी डोनर मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपना वक्तव्य रखा है। जोआई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि असम सरकार ने डोनर मंत्रालय को आश्वासन दिया है कि घटना के सिलसिले में उचित कार्रवाई की जा रही है। कार्बी आंगलोंग की हालिया घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। By and large, it has been taken care of, and the state government also has assured us that they have taken reasonable preemptive measures. In the last 3-4 years, the overall law and order situation and the security situation in Northeast has undergone a tremendous change for the better, and people now feel very much secure. मणिपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आद्या प्रसाद पांडे को बर्खास्त किए जाने की मांग पर अड़ा हुआ है। कुलपति की बर्खास्तगी की मांग करते हुए विश्वविद्यालय के 33 विभागों के प्रमुखों ने रजिस्ट्रार को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। मणिपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन और मणिपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के 35 दिनों से जारी हड़ताल के समर्थन में इन विभागों के प्रमुखों ने अपने इस्तीफे रजिस्ट्रार को सौंपे हैं। The demand for the removal of Vice Chancellor of Manipur University is a collective demand of the university community, students, teachers and the non-teaching staff. Now we expected that the government would initiate appropriate action when the strike was 10 days or 15 days old. And now that it has crossed 1 month, since the government didn't do the needful, well, there's no point for the heads, for all the heads to continue because the whole thing has collapsed. So heads alone cannot sit in the university to function. Now that in order to see to it that the demand for his removal is attended to at the earliest, the heads have joined the demand for removal. That's why the heads have resigned from their position, including me. पूर्व उप मुख्यमंत्री गैखंगम के नेतृत्व में मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने जल्द से जल्द मणिपुर विश्वविद्यालय के मुद्दे को सुलझाने का आश्वासन दिया है। मणिपुर विश्वविद्यालय का
वाइस चांसलर यानी प्रोफेसर अद्य प्रसाद पांडे को उसके वाइस चांसलर के पद से हटाने के मांग पे मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी मूसू ने उसको मांग करते हुए अभी तक यहाँ पर मणिपुर यूनिवर्सिटी में जो एजिटेशन चल रही है, आज कुल मिला के 35 दिन हो गया है उसके ऊपर, यानी मणिपुर यूनिवर्सिटी का 33 SOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उन लोगों का भी त्याग पत्र दो दिन पहले इस्तीफा दे दिया है। न्यूज़ 18 अखोम नॉर्थ ईस्ट के लिए कैमरा पर्सन ए बी सोजी के साथ मैं एन नोरेन मैते।